नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के मामले में आज विपक्ष ने विधानसभा में सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने सरकार पर रेत खदानों के संचालन में हीला हवाली करने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया और इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। वहीं विपक्ष के इस मांग को अस्वीकार किए जाने पर सदन में विपक्ष ने जमकर हमला बोला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या सूबों में सियासत की सह पर फल फूल रहा है अवैध खनन का कारोबार? क्या लचर कानून भी अवैध कारोबार के लिए जिम्मेदार है, या फिर घुन की तरह प्रदेश की यहां पर नैसर्गिक संपदा को चट कर रहे खनन माफिया सूबे में बेलगाम साबित हो रहे हैं? ऐसे में आज चर्चा बेलगाम माइनिंग माफिया पर सदन में आर पार के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज शीत सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने विधायकों की सुरक्षा को लेकर जमकर हंगामा किया। दरअसल विधानसभा में सवाल पूछने को लेकर मंगलवार देर रात भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को एक रेत व्यवसायी ने जान से मारने की धमकी दी। हालांकि उन्हें मिली धमकी को अजय चंद्राकर के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने सत्र के दूसरे दिन सदन में कहा था कि कांग्रेस विकलांग मानसिकता वाली है। वहीं गृहमंत्री ने जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही चंद्राकर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इसमें इतना तो साफ हो गया है कि प्रदेश में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब जनप्रतिनिधियों को भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध रेत खनन और इसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने का मामला आज सदन में छाया रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को जान से मारने की धमकी देने का मामला विपक्ष ने उठाया। विपक्ष का कहना था कि विधानसभा में प्रश्न पूछने से भड़के रेत खदान संचालक ने विधायक अजय चंद्राकर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। रेत खदान को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बहिर्गमन किया। आज महत्वपूर्ण विषय अजय चंद्राकर जी, हमारे वरिष्ठ साथी, जिनको कल रात में धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी और एक प्रकार से रेत माफिया का गुंडागर्दी और आतंक कितना फैल रहा है। अधिकारियों को ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, नागरिकों को ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार पूरा छत्तीसगढ़ रेत माफिया की चंगुल में आ रहा है, तो यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इस प्रकार षड्यंत्र करके दबाया जाएगा, ये अनुचित है। देश में कानून है, प्रदेश में कानून है, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि दुर्घटना छत्तीसगढ़ में घटी है और उसको ठीक किया जाना चाहिए। अध्यक्ष की आसंदी के बाद माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हम इसको ठीक करेंगे। अब हमें देखना है कि वो कब तक ठीक करते हैं। यदि वो ठीक नहीं करेंगे तो हम सरकार को ठीक कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि रेत खनन को लेकर प्रदेश में अफरा तफरी मच गई है। प्रदेश में रेत खनन के नाम पर गैंगवार चल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से रेत जा रहा है, रेत खनन के नाम पर विधायक को धमकी दी जा रही है। गृह मंत्री जी के द्वारा इसमें जो जवाब दिया गया है और आसंदी के द्वारा, अब ये केवल अजय चंद्राकर के मामला तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य विधायकों को भी धमकी आना शुरू हो गई है। इनके बाकी विधायक हैं, उनके भी सुरक्षा और व्यवस्था, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, उनके आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। हंगामे के बीच गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। माननीय अजय चंद्राकर जी को धमकी दिए जाने के विषय में चर्चा प्रारंभ किया गया और वो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, उनको किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज, तो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित होगी। चाहे विधायक जी FIR करें न करें, लेकिन उस पर हम कार्यवाही करेंगे। इसलिए DG को निर्देश दिया गया है कि फोन में सुन लें कि वो क्या क्या बात कहा है और उसके अनुसार कार्यवाही करें। विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि पहले सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी
कि रेत खदानों के संचालन का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार अपनी घोषणा से पलट गई है और रेत खदानों का संचालन CMDC के जरिए करा रही है। बहरहाल रेत खदानों का संचालन सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है और शीतकालीन सत्र के आने वाले दिनों में भी इस मामले के गरमाए रहने की संभावना है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यनारायण शर्मा जी हैं, विधायक कांग्रेस के, और सौरभ सिंह हैं, विधायक हैं भाजपा के। वहीं धर्मजीत सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि विधायक हैं JCCJ के। अब तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक तरीके से देखा जाए, सौरभ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के एक ही विधायक को धमकी मिली है, क्योंकि अभी धर्मलाल कौशिक जी ने भी कहा कि कई विधायकों को धमकी मिल रही है या फिर मिलना शुरू हो गई है। देखिए, अभी एक विधायक को धमकी मिलेगी जो इन रेत माफियाओं के खिलाफ बोलेगा, वो धीरे धीरे उनके हौसले बुलंद होंगे। आज उन्होंने एक के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ करेंगे। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके मंशों के खिलाफ बोलेगा, जो जिस ढंग से बोलेगा, उनके खिलाफ इस तरह की धमकी आएंगी। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग है कि एक विधायक को इस तरह से धमकी दी जाती है, इस तरह से फोन किया जाता है करके, यह बताता है कि उनके मंसूबे कितने बुलंद हैं करके। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा जी, अगर हालात यही बन रहे थे, वही जस के तस बने हुए, तो नीति में बदलाव करने की फिर क्या जरूरत थी? हालात वही बने हुए, तब भी रेत का अवैध खनन हो रहा था और आज भी अवैध माफियाओं का, जो रेत खनन के माफिया है, वो भी हावी हो रहे हैं सरकार पर और जनप्रतिनिधियों पर। देखिए, अवैध रेत का अवैध खनन होते रहा है, बीजेपी कार्यकाल में हुआ है, लेकिन सवाल की गई है उसके बारे में पूरे सदन ने चिंता प्रकट की है। माननीय हमारे मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कहा है कि माननीय विधायक जी चाहे FIR दर्ज कराए चाहे न कराए, शासन इसे संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई हुई है। एक विधायक के साथ ऐसा होना भी हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी भी माननीय सदस्य के साथ कोई भी व्यक्ति की तरह दुशासी न हो जो माननीय विधायकों के साथ बदसलूकी करे। मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई दूसरा मामला अभी तक नोटिस में नहीं आया है। माननीय सौरभ जी ने कहा संभावनाओं के आधार पर कहा है, संभावनाओं के आधार पर बात नहीं की जा सकती। और मैं समझता हूँ कि शासन इसे बड़ी कड़ाई से इस बात को ले रहा है और जो भी आदमी इस तरह की गलत हरकत करेगा या असामाजिक तत्व अगर कोई हरकत में आएगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शासन का कमिटमेंट है। इसके अलावा कोई बात ऐसी हुई नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबको भरोसा रखना चाहिए और हमारे माननीय विधायक, सभी माननीय विधायकों के मान सम्मान का सवाल है, सबके मान सम्मान की रक्षा करना शासन की जिम्मेदारी बनती है, ये हम सब जरूर करेंगे। धर्मजीत जी, जिस तरीके से देखा जाए हालात जो बन रहे, खबरें लगातार आ रही हैं, कभी सहायक कलेक्टर की गाड़ी के ऊपर क्रेन से हमला कर दिया जाता है, जेसीबी मशीन से, तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं और अब जनप्रतिनिधियों को इस तरीके की धमकी मिल रहा, हालात ही ऐसे क्यों बनने दिए गए? क्या यहाँ पर CMDC अपना कार्य सही से नहीं निभा रही अपने दायित्वों को, क्योंकि उन्होंने पहले कहा स्टाफ की कमी है उनके पास, क्या इस चीज का जिक्र की वजह से कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी, अधिकारियों की कमी की वजह से ये हालात बन रहे हैं कि अवैध जो रेत खनन है वो शुरू हो गया है, उसके हालात जस के तस बने हुए अवैध खनन के? देखिए, सरकार को कोई काम शुरू करने के पहले इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त अमला हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस का बंदोबस्त हो और निष्ठावान अधिकारी और कर्मचारी हो। इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया कि पूरे प्रदेश में हर जगह रेत घाट को नीलाम कर दिया। रेत घाट को नीलामी में लेने वाले लोग एक प्रकार से खनिज विभाग के अफसरों से मिल करके तस्करी करने और ओवर रेट में रेत बेचने के लिए तैयार हैं। अभी तो रेत निकलना शुरू नहीं हुआ है। मैंने आज ही विधानसभा में कहा कि 15 दिन के अंदर ही इस प्रदेश में गैंगवार शुरू होगा, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। और यही उनके दुस्साहस का एक परिणाम है, छोटा सा उदाहरण है जो कि बहुत बड़ा है, कि हमारे प्रतिपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्री अजय चंद्राकर जी को रात को फोन में गाली गलौज करना और धमकी देना, मतलब आप समझ सकते कि इच्छा शक्ति का अभाव इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेत खनन का जो ठेका हुआ है आने वाले दिनों में ये गैंगवार का रूप लेगा। और जैसा कि आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में रेत माफियाओं का
जो आतंक आप देखते थे, शायद वही आतंक छत्तीसगढ़ के हर कोने में रेत माफिया दिखाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और वो आपस में मिलकर के जनता को रेत का मनमानी पैसा वसूलेंगे, और अगर उसका कोई विरोध करेगा तो उसको जान से मारने या जान से मार देने की कार्रवाई होगी। और प्रशासन इसको रोकने में अक्षम अभी तक दिख रहा है। सौरभ जी, जिस तरीके से हालात ये बन रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कहाँ कमी, कहाँ चूक रह रही है? जहाँ अगर देखें ग्राम पंचायतों पे ये था पूरा कारभार संचालन करने का, सीएमडीसी को दिया गया, सीएमडीसी के एक तरीके से वहाँ काम करती है, लेकिन संरक्षण करने के दूर वहाँ पर अवैध कारोबार, और उस पर ये आरोप जरूर लगने लग गए हैं कि उनके संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है। सीएमडीसी को रेत की खदानें नहीं दी गई है, सीएमडीसी संचालन नहीं करा, रेत की खदानों को सीधा ठेका दिया गया है करके, और जिन रेत की खदानों का ठेका दिया गया है, जितने शराब के माफिया थे वो सारे रेत के खदानों पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो पहले शराब बेचते थे वो लोग आज रेत की पर्चियां काट रहे हैं घाटों पर करके, और उन लोग के जो मंसूबे हैं, उन लोगों की जो बात है करके, वो उस तरह से एक ऑर्गेनाइज माफिया वहां पर आके खड़ा हो गया है करके, और वो ऑर्गेनाइज जो माफिया है, जो शराब का माफिया था, वो रेत में उतर आया है करके। और रेत में आज जो काम चल रहा है, घाटों की जो परिस्थिति है करके, 6 बजे से 6 बजे तक घाट को चलना है करके, रात को पूरी मशीनें चल रही है, रात को घाट चल रहे हैं करके, अतिरिक्त पैसे की वसूली की जा रही है रॉयल्टी करके, एक रॉयल्टी पर 10-10 गाड़ियां निकल रही हैं करके। और जो क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है कि 5 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, उस क्षेत्रफल को छोड़कर उन लोग अवैध ढंग से माइनिंग अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध ढंग से वो 5 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कॉन्टूर से बताया गया है, जीपीआरएस से बताया गया है, उसको छोड़कर अलग से वो लोग गहरीकरण कर रहे हैं। और उसके बाद जो इस अवैध कारोबार का जो पैसा आएगा, वो पैसा बहुत बड़ा एक माफिया तंत्र यहाँ पर खड़ा करेगा करके। धर्मजी जी, जिस तरीके से कहा जा रहा पट्टे या फिर टेंडर देने के बाद एक तरीके से वो उस जमीन के मालिक हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो अधिकारी और खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके तो दायित्व खत्म हो जा रहे हैं, उनके अधिकारी खत्म हो गए। सिर्फ गाड़ी सरकार के बड़े पद पर बैठे हुए लोगों का मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए ना, वो तो गाड़ी रोकने के लायक भी नहीं रह गए हैं। खनिज माफिया तो खनिज विभाग के अधिकारी तो इन माफियाओं के आगे पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऊपर से ही उनको निर्देश है कि इनको आपको मदद करना है, और वो मनमर्जी करेंगे, और अगर कोई भी उनके विरोध में बात करेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा। इसलिए कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि करके विधायक सांसद तक के सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि रेत का कोई खदान नहीं है। लोगों को अपने घर मकान बनाने की, सरकारी आवास बनाने के लिए रेत की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए रेत की जरूरत है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं दिया गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास बनाना है या ग्राम पंचायत भवन बनाना है या हाई स्कूल भवन बनाना है तो इन ठेकेदारों के यहाँ कोई भी छूट का कोई प्रावधान नहीं है, आपको उनके ही रेट में लाना पड़ेगा। और रेत का कोई फैक्ट्री नहीं है, रेत को मनमर्जी तरीके से बेचेंगे। अगर आपको घर बनाना है, मकान बनाना है तो लीजिए, नहीं तो अपने घर जाइए। ज्यादा बात करेंगे तो उनके पंडे और गुंडे सब हैं, वो कुचल के रख देंगे किसी को भी, तो आदमी कहाँ बोल पाएगा। बेबस है, लाचार है, और बेबसी से देख रहा है कि सरकार ने इतना तुगलकी निर्णय लिया है रेत का नीलामी करके कि आपको राजस्व की आय जरूर हो सकती है, लेकिन आम लोगों के शांति में कोई वृद्धि नहीं होगी, लोग अशांति के दायरे में जिएंगे। शर्मा जी, ये दवा मर्ज बढ़ाती क्यों जा रही है, क्या वजह है इसकी? जैसे कि बताया कि सीएमडीसी में स्टाफ की कमी है, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, ये एक वजह मानी जा सकती है? ऐसा 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 कहना सही नहीं है। कलेक्टर्स ने बड़ी सख्ती से कार्रवाई की, अवैध खनन को रोकने के लिए गाड़ियां जब्त हुई है, डंपर जब्त हुए हैं, हाईवा मशीन जब्त हुई है, हाईवा गाड़ियां जब्त हुई हैं, जेसीबी मशीन जब्त हुई है, बड़ी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जितने प्रभावशाली कदम उठाए गए उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, इस प्रदेश में कोई भी अवैध कार्य नहीं होगा, अवैध उत्खनन नहीं होगा, सख्ती से इन जो गड़बड़ करने वाले लोगों को दबाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सब मैंने पहले ही कहा कि संभावनाओं के आधार पर कोई बात नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ ऐसा कोई प्रकरण, दूसरा कोई ऐसा प्रकरण हमारे सामने नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि किसी माननीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई किसी ने कोई आवाज उठाई है। माननीय चंद्राकर जी के साथ जो वारदात हुई है वो उनके गवर्नमेंट के साथ जो भी बदसलूकी हुई हो, चंद्राकर जी के रेफरेंस में जो बात कही गई हो, उस पर सख्त कार्रवाई हुई है।
और माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात का संकेत दिया है कि सभी माननीय विधायकों के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, इसमें कोई दो सबका भरोसा होना चाहिए, सरकार पर भरोसा होना चाहिए, सख्ती के साथ रेत माफियाओं को, अगर माफिया है तो उसे खत्म किया जाएगा, इस बात का खुला ऐलान सरकार का है। पर शर्मा जी, अभी एक ही जनप्रतिनिधि को धमकी मिली है तो बाकियों का इंतजार भी तो नहीं किया जा सकता है कि बाकियों को मिलेगा तो उसके बाद ही चीजों को नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन सवाल शर्मा जी होता है और कोई दूसरा उदाहरण तो हमारे सामने नहीं है, और कोई दूसरा उदाहरण तो हमारे सामने नहीं है, जो एक जो वारदात हुई है उसमें सख्त कड़े कदम उठाए गए हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूँ और कोई दूसरा मामला अभी तक कोई नोटिस में नहीं आया है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संभावनाओं के आधार पर कोई बात नहीं किया जा सकती, उसके पहले ही ऐतिहासिक तौर पर गृह मंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से शर्मा जी आपने बोला कि कार्रवाई हो रही है, लगातार गाड़ियों को रोका जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो नीति बनाई गई थी वो नीति का आधार यही था कि इससे रुकेगा, इससे भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ रहा है या फिर खनन माफियाओं के हौसले बढ़ रहे हैं वो रुकेंगे, परिवहन अवैध रेत का वो रुकेगा, अगर हालात वही रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कार्रवाई तो तब भी हो रही थी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये बात सामने तो आए, सामने तो बात आनी चाहिए ना, रेत माफिया यदि सक्रिय है तो सरकार का कमिटमेंट है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अवैध उत्खनन अगर हो रहा है तो उसे रोका जाएगा, लोगों को सस्ती रेत मिले इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, सभी कलेक्टर्स ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि कहीं भी उनको गड़बड़ बात न होने पाए, तो इंतजार तो करना चाहिए, रिजल्ट का इंतजार तो करिए। एक माननीय विधायक जी के साथ में जो वरिष्ठ विधायक है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ एक वारदात हो गई इसका मतलब नहीं कि सभी के साथ हो गई है, सरकार सख्ती से ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, इस बात का आश्वासन सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है। ठीक है, धर्मजीत जी, जिस तरीके से देखा जाए, कहा गया था कि सीएमडीसी खदानों में कैमरे लगाएगी, उनकी निगरानी रखी जाएगी, तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे ये बिल्कुल भी जो अवैध जो शब्द है उसे मिटा दिया जाएगा, ना तो अभी तक शायद कैमरे लगे हैं और ना ही कुछ इस प्रकार की कोई अत्याधुनिक चीजें लगाई गई हैं। ना कैमरे लगे हैं और अगर वो लग भी जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे, खनिज विभाग के अधिकारी जो जब्ती कर रहे हैं वो वैसी जब्ती होगी जैसे शराब ठेकेदारों के कहने से पुलिस या आबकारी के लोग कुछ बॉटल जब्त करके खानापूर्ति करते थे। पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति निर्मित होने वाली है और इसी को मद्देनजर रख के हम सभी लोगों ने, प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने, स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। ये स्थगन प्रस्ताव दो दिन पहले पेश किया था और उसी का परिणाम है कि रात को विधायक को धमकी दी गई, और अगर इस दिशा में हम लोग जितना भी आवाज उठाएंगे उसी के रेशियो में विधायकों को दबाने, उनके ऊपर हमला करने या उनके जानमाल के ऊपर खतरा पैदा होने की स्थिति निर्मित होगी। ये राजस्व का एक बहुत अच्छा माध्यम सरकार का हो सकता है, लेकिन प्रदेश में अशांति का बीजारोपण इस माध्यम से हो चुका है। यहाँ भी माफिया संस्कृति बहुत कुछ क्षेत्रों में थी, लेकिन अब ये माफिया संस्कृति गली गली सड़क सड़क हर नदी के घाट में माफियाओं की उपस्थिति और दूसरे घाट के माफियाओं से उनका मुकाबला होगा, कभी बातचीत से होगा, फिर कभी डंडे लाठी से होगा, और कभी शायद गोली के स्तर तक के भी जा सकता है, कभी ट्रैक्टर चढ़ाए जाएंगे, कभी ट्रक चढ़ाए जाएंगे। कुल मिलाकर के इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए, और कैसे रेत के खनन को नियंत्रित और व्यवस्थित करके वितरण हो और रेत की बिक्री हो सके, रेट ना बढ़े, 10,000 रुपए ट्रक में बिक रहा है साहब, अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो नदियों में पानी भरा है, रेत का घाट भी ठीक से नहीं खुला है, 15 दिन बाद खुलने दीजिए, फिर देखिएगा कितना तमाशा होता है इस प्रदेश में। शर्मा जी, तो ये जो कि अभी धर्मजीत जी ने बोला कि ये दस्तक है आने वाले समय की, ये धमकी कि आने वाला का समय वो है, वो माफियाओं का राज अब यहाँ शुरू होने वाला है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर भी गोलियों की आवाजें सुनाई देंगी, गैंगवार होंगी। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये अतिरंजित बात है, विपक्ष का स्वभाव है कि किसी भी बात को अतिरंजित करके बताना। हम जब ये कह रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, देख तो ले, रिजल्ट तो देख ले पहले, लेकिन केवल संभावनाओं के आधार पर बात करना अच्छी बात नहीं होती, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलिए सौरभ जी, जिस तरीके से कहा गया कि
पूर्व मंत्री जी को जो धमकी दी गई है, वो जो आरोपी है उसकी कई खदानें या फिर काम बंद करवा दिया गया है, जिसकी खीज में आकर उसने कदम उठाया, ये इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, आज अजय चंद्रा ने बोला है करके कि जहां पर रेत की खदानें चल रही थी वो उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है करके, वो कोई और विधानसभा क्षेत्र में रेत की खदानें चल रही थी करके, और उनका रेत से कोई लेना देना नहीं है करके, और ये दुर्ग का आदमी जाके धमतरी में कैसे खदान चला रहा है करके, यही आपको पहली बार बताता है कि रेत का माफिया किस ढंग से काम कर रहा है करके। दुर्ग के आदमी को धमतरी सिहावा की खदान से क्या लेना देना करके, वो वहां पर कैसे पहुंच गया करके, और वहां से वो पहुंच के फिर माननीय वरिष्ठ विधायक जी को वहां से फोन पर धमकी देता है करके, धमकी की रिकॉर्डिंग है, बाकी सारी चीजें हैं करके। ठीक है, तो ये यही दिखा रहा है कि उनके मंसूबे कितने हावी हैं। अभी तो शुरुआत है करके, अभी आधे जिलों के रेत के खदानों के ठेके हो गए हैं, उनको संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदेश की जब पूरी सारी खदानों में अनुमति हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी खदानें हैं, बहुत सारी नदियों में ऐसी खदानें हैं जिनके अभी ठेके भी नहीं हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 3-4 रेत की खदानें जिनके ठेके नहीं हुए हैं करके, जब सारे रेत की खदानों के ठेके हो जाएंगे, उस समय की परिकल्पना, जब ये योजना, जब ये सरकार ने ये नीति घोषित की थी पिछले बजट सत्र में, तब सारे विपक्ष ने इस बात को बोला था करके कि ऐसा होगा करके, और आज वो जो बोला था वह शब्दशः हो रहा है करके, आने वाले समय में ऐसा होगा करके, और देखिएगा 15 दिन 20 दिन के बाद जब सारी रेत खदानें चालू हो जाएंगी करके, तब रेत का कैसे लड़ाई होगी, कैसे गैंग वॉर होगा, और उसके बाद किस ढंग से अवैध खनन हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जांजगीर चांपा जिले में महानदी, शिवरी नारायण के पास महानदी है, जहां पर हसदो नदी महानदी में आके मिलती है, और वहां से लेकर शिवनाथ नदी जहां पर बिलासपुर जिले से आकर मिलती है महानदी में, वो करीब करीब 23 किलोमीटर का फासला है। 23 किलोमीटर के फासले पर जो महानदी की चौड़ाई है वो 500 मीटर 600 मीटर 800 मीटर तक की चौड़ाई है करके महानदी की करके, उस चौड़ाई की स्थिति पर 4 रेत की खदानों को ठेका दिया गया, और सिर्फ 5 हेक्टेयर में, आप 5 हेक्टेयर होता कितना है करके, उसमें रेत की खदानों का ठेका दिया गया, और 15 अक्टूबर से रेत के खदानों के ठेके चल रहे हैं करके। जिसके रेत के खदानों के ठेके चल रहे हैं वो अपनी 5 हेक्टेयर को छोड़ के दूसरे के, दूसरी जो शासकीय जमीन है वो दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर इतनी सारी परिस्थितियां हैं तो हर गांव पे हर जगह पर क्यों रेत का ठेका नहीं दिया जाता, क्यों उनको माफिया पनर दिया जा रहा है, क्यों वो 10,000 में रेत बेचते करके, क्यों मनमानी ढंग से वसूले, कंपटीशन क्यों नहीं करवाया जा रहा है करके, ज्यादा रेत के खदाने क्यों नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबे में कहीं ना कहीं। देखिए, ये सब बातें माननीय विधायक जी ने कही है, यही सब बातों को लिखकर किसी से कार्रवाई करेगा, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कराएंगे, ये सब चीजों को लिख करके देना चाहिए माननीय विधायकों को, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत जा रही है, क्या परिस्थितियां बन रही है, लिख करके देना, उसकी जांच करा ली जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कदम उठाएंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाणित करिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं करने से, कार्रवाई नहीं करने से कोई बात तो कोई नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होगी, प्रमाण तथ्य तो दीजिए। धर्मजीत जी, जिस तरीके से हालात, जैसे कि आपने जिक्र किया और आने वाले भविष्य की एक तस्वीर रखी कि ऐसा भविष्य हो सकता है या ऐसे हालात यहाँ बन सकते हैं, तो विपक्ष जो कि दोनों ही विपक्ष आप लोग बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर कार्रवाई आगे की रणनीति रहेगी या क्या कुछ रणनीति बनाई गई है अब तक? देखिए, सत्यनारायण जी ने कहा कि लिख के शिकायत करें, हर समस्या की शिकायत लिख के देना जरूरी नहीं है, जन समस्याओं का निराकरण कैसे हो, जन आकांक्षाएं क्या हैं, इसको सरकार को महसूस करने के लिए प्रशासन तंत्र है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, सभी माध्यमों से सरकार के संरक्षण में इस तरह से जो ठेकेदार अफरा तफरी कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल रही है। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप में कितनी हिम्मत है और कितनी ताकत है कि इन माफियाओं से आप लड़ सकते हैं। अगर आप लड़ सकेंगे तो कार्यवाही होगी, अगर नहीं लड़ सकेंगे तो माफियाओं को आज़ादी मिलेगी। और मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि 15 दिन तो रुक जाइए, 15 दिन के बाद जब इस प्रदेश में इसी तरह से माफियाओं की दादागिरी और बाहुबल का प्रयोग होगा, तब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फिर उस वक्त सत्यनारायण जी को जरूर बुलवाइएगा ताकि हम बता सकें कि आपके राज्य में ये हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, ये तो अभी आगे देखते जाइए क्या क्या होगा, और बहुत ही खतरनाक संकेत है कि
क्योंकि माफियाओं को पलने पनपने के पहले ही सरकार को सख्ती से कुचलने की कार्यवाही करना चाहिए या उनको नियंत्रण में रखने की कार्यवाही करना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर प्रकृति की बात हुई है। ये एक जागरूक विधायक को जो सदन में रेत माफिया या रेत के उत्खनन में होने वाले अवैध काम के बारे में स्थगन लगाया हो, जिसमें हम ये भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, और हमारे एक प्रतिपक्ष के विधायक को या किसी भी विधायक को माफिया की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो गाली दे और धमकी दे। इस प्रदेश में इनको कुचला नहीं गया तो इसको भी यूपी बिहार बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शर्मा जी, आप जिक्र कर रहे थे किसी बात का। देखिए, मैं ये कह रहा था कि सभी जिले में कलेक्टर्स हैं, माननीय विधायकों को भी कम से कम कलेक्टर की नोटिस में लाना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और ये सब चीजें सामने लाएंगे तो कड़ाई से कार्रवाई होगी। हम ये नहीं करेंगे लिखित में शिकायत दीजिए, कुछ तथ्य तो बताइए, फैक्ट तो बताइए, कलेक्टर्स को बताइए, वो कार्रवाई करेंगे। सारे जिले में प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं कार्रवाई करने के लिए, उनकी नोटिस में लाना चाहिए अगर कोई गैर वाजिब काम हो रहा है तो। कार्रवाई क्यों नहीं होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए शर्मा जी, लेकिन ये बात तो है कि जिस तरीके से प्रतिनिधियों को यह धमकी मिलना है वाकई बड़ी बात है, और जाहिर सी बात है कि गृहमंत्री ने जो कहा है। देखिए, एक मामला सामने आया है, कड़ाई से कार्रवाई हुई है। हाँ शर्मा जी, उम्मीद है कि आगे नहीं हो रही है कमिटमेंट। विधानसभा में गृह मंत्री जी ने कमिट किया है कि कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। एक मामला सामने आ गया, कड़ाई से उसमें कार्रवाई हुई है, अरेस्ट कर लिया गया है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, लेकिन केवल संभावनाओं के आधार पर बात करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिनिधि के साथ जो हुआ, आगे ना हो इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, और ऐसे हौसले ना बुलंद हो माफियाओं के, उन पर निधि एक बड़ा सवाल है, और कांग्रेस यही उन्होंने विपक्ष को भी और जनता को भी। चलिए सत्यनारायण जी और साथ ही साथ तीनों लोगों का बहुत कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इसको दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता। जी जी जी, चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया तीन लोगों का। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विपक्ष एक तरीके से इल्जाम या आरोप लगा रहा है या फिर अपनी बात रख रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक प्रतिनिधि को धमकाया जा रहा है फोन पर, इससे गुंडाराज या माफिया राज पनपना शुरू हो गया और आगे इसके परिणाम भय भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि ऐसा नहीं है, हम नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, यह पहला मामला है, अब इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे, और रही अवैध या फिर जो परिवहन हो रहा है रेत का वो भी नहीं होने दिया जाएगा, सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।